रानी चींटी सभी चींटियों के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थी। रानी चींटी टीले के ऊपर खड़ी हैं। सारी चींटियां एक लाइन में हैं और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पास करती जा रही हैं। दूसरी तरफ चींटियों ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंग शॉट टाइप का शेप बनाया हुआ है, जिसमें वो एक मिट्टी का क्यूब फंसा कर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर कुछ चींटियां उसे कैच करके घर बना रही हैं। ऐसे घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा। सही कहा, पर इसी तरह मन लगाकर काम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा, फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगे। ये भी तो सोचो। ये बात तो सही है, घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। दोस्तों, काम पर लग जाओ। सबको डराया, बड़ा मजा आया। ये है अप्पू हाथी, ये भी इसी जंगल में रहता है, जो बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी सूंड से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है, जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकरा कर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अप्पू उन दोनों पर हंसता है। अप्पू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ खेल रहे थे। अप्पू की शैतानियाँ रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया। हाँ तो क्या कर लोगे, ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अप्पू अपने घमंड में चूर था और उसने किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहाँ से चला गया। इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहाँ आता है। हम देखते हैं सारी चींटियाँ वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए। अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार, वार क्या, एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं, दिखाऊं। अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को ये देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की है, ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोटी सी चींटी, अब मुझे सिखाओगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अप्पू, तुम बहुत घमंडी हो। याद रहे, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, सभी जानवरों का है और हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें एक दूसरे को परेशान करने की जगह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना साइज देखा है और मेरा साइज देखो, आखिर तुम मेरी क्या मदद आओगी। चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहाँ से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसकी नजर अप्पू पर गई। हम देखते हैं अप्पू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है, जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। अप्पू उन्हें देखकर हंसता है। वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है, इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। हो गया काम, अब हाथी के आते ही मैं उसे जाल में फंसा के पकड़ लूंगा। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? मैं देख के क्यों चलूं? तुम देख के खेलो। बचाओ, बचाओ। अब आया ना हाथी जाल के नीचे। अप्पू शिकारी के जाल में फंस चुका था। शिकारी उसे चुपके देख ही रहा था, तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चींटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है। अप्पू को फंसा हुआ देख उसको दया आ गई। रानी चींटी ने अप्पू की मदद करने की सोची। रानी चींटी अप्पू के पास जाती है।
अप्पू मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। और रही शिकारी की बात, तो इसको तो हम मजा चखा देंगे। चलो साथियों। अरे बचाओ, कोई बचाओ इन चींटियों से, बचाओ। ये तो मुझ शिकारी का ही शिकार कर रही है, बचाओ। शिकारी के भागते ही रानी चींटी अप्पू के पास आती है। शिकारी तो चला गया, लेकिन मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे पास इसका भी उपाय है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। चूहे राजा, मेरे दोस्त, बाहर आओ दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ चींटी रानी, इतनी परेशान क्यों हो? वो अप्पू शिकारी की जाल में फंस गया है, जरा जाल काटने में मदद कर दो, बेचारा बहुत परेशान है। ये तो एक दिन होना ही था, ये सब अप्पू की शैतानियों का फल है। हाँ, पर है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कहा, चलो। चूहा जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अप्पू के पास आता है और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का जाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। अप्पू आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। हम देखते हैं कि अप्पू जंगल में बैठा है, सारे छोटे जानवर उसके आसपास खेल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं।